तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द शॉर्ट एंड विद नितिन में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये यात्रा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से शुरू हुई है। और यात्रा के इस पहले भाग में हमने सबसे पहले आपको खंडवा ज़िले में, मध्य प्रदेश के ही खंडवा ज़िले में, ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन कराया था। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया लिंक से आप वहाँ का वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ओंकारेश्वर यात्रा से संबंधित सारी जानकारियाँ दे दी थी। और इस दूसरे भाग में हम इस समय हैं उज्जैन में, और अभी हम चल रहे हैं छिप्रा नदी के तट पर। वहाँ से स्नान करके सीधे महाकालेश्वर महाराज का दर्शन करेंगे, और आपको भी जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं छिप्रा नदी में स्नान करने के लिए, और वहाँ से चलेंगे सीधे महाकालेश्वर मंदिर में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये है छिप्रा नदी का रामघाट, जहाँ से स्नान करने के बाद भक्तजन महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये देखिए, पूरी हमारी टीम है हमारे साथ। छिप्रा नदी के इस तट पर भी कई सारे छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं, जिनका दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, तो वहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं, और अगर नहीं चल सकते हैं तो फिर आप बैटरी रिक्शा की सहायता से आप मंदिर पहुँच सकते हैं। ये भाव कहाँ। तो दोस्तों, छिप्रा नदी में स्नान करने के बाद हम बिना समय गंवाए सीधे आ गए हैं महाकाल मंदिर के अंदर। और ये महाकाल मंदिर के अंदर का पूरा सीन है आप देख पा रहे हैं, और आप ये भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय मंदिर के अंदर कितना क्राउड है। और हमें दर्शन में कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, जो भी समय लगेगा। हर हर महादेव। जय नाथ की जय। साथियों, हमने आपको महाकालेश्वर मंदिर के अंदर से शिवलिंग का अद्भुत दर्शन कराया है।
और इस समय हम बाहर निकल आए हैं। ये देखिए, आपको पूरे उज्जैन में, पूरे मंदिर प्रांगण में हर जगह इस तरह से टीवी स्क्रीन दिखाई देगी, जिससे मंदिर के अंदर का सीधा प्रसारण किया जाता है और आप अंदर क्या क्या हो रहा है, आप महादेव का सीधा दर्शन आप स्क्रीन के माध्यम से बाहर से भी कर सकते हैं। तो साथियों, महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का दर्शन करने के बाद आइए हम आपको लेकर चलते हैं महाकाल लोक में, जिसे महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भव्य मैदान है जो महाकालेश्वर मंदिर के सटे ही बना हुआ है, जो कि देवाधिदेव महादेव को पूर्ण रूप से समर्पित है। इस परिसर में आप भगवान शिव के 106 विभिन्न रूपों का दर्शन कर सकते हैं और इसी में एक भव्य संग्रहालय भी बना हुआ है, जो भगवान शिव के जीवन और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं, हम इस समय हैं महाकाल लोक में। चलते रहो। भूख लगा उसको, चलो ठीक।
तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको महाकालेश्वर मंदिर के अंदर से महाकाल के शिवलिंग का अद्भुत दर्शन करा दिया है और साथ ही साथ दिन के उजाले में आप ये महाकाल लोक का भी दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जब रात में लाइट्स इसकी जल जाती हैं तब इस महाकाल लोक की खूबसूरती और भी देखने लायक हो जाती है, जिसकी छोटी सी झलक हम इसी वीडियो के अंत में आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसका पूरा वीडियो हमारे अगले वीडियो में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।